स्वागत है आप सभी का भी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई अभी आपका एक एमपी पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत जीडीएस का आपका पोस्ट आया था, जिसमें बिना एग्जाम के डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होना था, और सिलेक्शन आपका 10th के कहीं ना कहीं आपके परसेंट के बेसिस पर होगा। अब आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि सर हम लोग जैसे एमपी से हैं, तो एमपी में कितना क्या कट ऑफ आपका जा सकता है, लास्ट ईयर कट ऑफ आपका कितना था, कट ऑफ मतलब आपका 10th का परसेंटेज, जिसे अभी से हम लोग निश्चिंत होकर बैठ जाएं कि भाई हम लोगों का तो 110% हो ही जाएगा, क्योंकि एग्जाम इसमें होना नहीं, जो भी चीजें हैं डायरेक्ट इसमें आपकी फाइनल मेरिट आनी है, और मेरिट के बेसिस पर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन होगा, और उसके बेसिस पर आपकी नियुक्तियां आपको मिलेंगी। लेकिन एक और सबसे बड़ी इसमें समस्या है, क्योंकि यहाँ पर हर राज्य मतलब एक राज्य तो ठीक है, उस राज्य के अंदर जितने भी आपके जिले आएंगे, जितने भी आपके यहाँ पर डिवीजन आएंगे, उन सभी डिवीजन का आपका, उन सभी जिलों का अलग अलग कट ऑफ आपका जाने वाला है। ये थोड़ी सी आपको यहाँ पर चीजें ध्यान में रखनी है। अब सबसे बड़ा आज की डेट में आपका डाउट यही है कि सर मैंने अगर होशंगाबाद डिवीजन या फिर भोपाल डिवीजन से फॉर्म फिल किया है, तो वहां का लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना था, या इस बार रहने क्या कट ऑफ रहने की आपकी संभावना है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इस सेशन में हम लोग अपना सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश का पिछली बार का आपका कट ऑफ क्या था, जो पोस्ट ऑफिस के जीडीएस के अभी जो आपके पद आए हैं, अब कितना आपका कट ऑफ रहने की यहाँ पर संभावना है। इन दो मेन पॉइंट पर हम लोग आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दो, अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो एक बार आप लोग सेशन को लाइक भी कर दो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ आज का ही कार्यक्रम। ठीक है, संजय कुमार 10th में सीजीपीए है, या 2017 में बिहार अप्लाई। ठीक है, कट ऑफ किस डिस्ट्रिक्ट में जाए ज्यादा जाएगा। यार देखो कट ऑफ किस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा जाएगा, अभी इन चीजों का अंदाजा लगाना मुश्किल है। रीजन है क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि जैसे मान के चलो एक बंदा है, एक लड़का है, जिसका 10th में परसेंटेज आपका 99% है। अब ये आपको नहीं पता कि 99% वाले लड़के ने कौन से डिवीजन से फॉर्म अप्लाई किया है। अब सपोज मान के चलो आपके सामने दो डिवीजन है, ठीक है, एक आपके सामने यहाँ पर भोपाल डिवीजन, ठीक है, मान के चलो आपके सामने ये भोपाल डिवीजन है, ठीक है, और यहां पर आपके सामने कौन सा हो जाएगा, ठीक है, भोपाल डिवीजन हो गया आपका, और ये आपका इंदौर डिवीजन हो गया। अब ये चीज ध्यान से समझना, भोपाल डिवीजन में मैक्सिमम परसेंटेज वाला जो बच्चा है, जो कैंडिडेट है, उसका है 97% 10th में, ठीक है, 10th में, ठीक है। एक और मैंने मान लिया ग्वालियर, एक और मैंने ले लिया ग्वालियर, ठीक है, ये मैन मैन मैंने डिवीजन ले लिया, यहाँ से सबसे ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं। इंदौर का जो मैक्सिमम जो कट ऑफ वाला बच्चा है, परसेंटेज वाला बच्चा है, वो है 91%, ठीक है। और यही अगर मैं ग्वालियर की बात करूं, तो यहाँ पर मान के चलो 87% वाला हाईएस्ट कैंडिडेट है, मतलब जिसके 87% है वो हाईएस्ट कैंडिडेट यही है आपका। अब यहां पर अगर देखोगे, सपोज मान के चलो हर जगह एक पोस्ट की अगर मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल के तौर पे मान रहा हूँ, इतनी पोस्ट नहीं होंगी, ज्यादा ही होंगी, एक एक पोस्ट थी, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पर कट ऑफ कितना जाना चाहिए, 97%, क्योंकि हाईएस्ट इसी के नंबर है और हाईएस्ट वाले को पोस्ट मिल जाएगी। यहां पर इनका 91 कट ऑफ जाना चाहिए और यहां पर इनका 87, तो इससे आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस जिले में। अब ये आपको भी नहीं पता कि कहां पर कौन से डिवीजन में कौन से जिले में किस परसेंटेज वाले बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किया है, ये अभी सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल है, इसका आपको मुझे किसी को भी नहीं पता। ये तो आपको लास्ट में पता चलेगा जब बिल्कुल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, जैसे अभी हम लोग देखने भी वाले हैं कि लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट किस तरीके से, किस पैटर्न पर बेस्ड आई थी, ठीक है। तो ये चीजें हैं थोड़ी सी आप लोगों को याद रखनी। अब ध्यान से समझना, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, तो लास्ट ईयर मध्य प्रदेश का आपका जो मेरिट, जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो मेरिट की लिस्ट आई थी, वो आपकी इस तरीके से थी, सिलेक्शन लिस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक फॉर मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश सर्किल साइकिल सेकंड, ठीक है, वाइड नोटिफिकेशन नंबर, जो आपका नोटिफिकेशन नंबर था वो आपका यहाँ पर देखे रखा है। तो ये है आपका पूरा यहाँ पर लेखा चित्र, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले मान के चलो इन्होंने कौन सा डिवीजन दे दिया, भोपाल डिवीजन दे दिया, डिवीजन का नाम लिखा है भोपाल, ठीक है, एच ओ नेम, एस ओ नेम, बी ओ नेम, ठीक है, और आपका पोस्ट नेम, और आपका कैटेगरी, कैटेगरी मतलब जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी है, एससी एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट वहां पर कितनी थी, रजिस्ट्रेशन नंबर बच्चे का क्या था, और सिलेक्टेड कैंडिडेट का नाम विद उसके परसेंटेज के साथ, ठीक
विद उसका परसेंटेज के साथ। अगर मैं मान के चलूं यहां पर, देखना ध्यान से समझना आप, मैं जो आपको लाइन बता रहा हूं कि भाई यहां पर नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, एक, ठीक है। यहां पर भोपाल में एचओ का नाम था भेल एचओ, ठीक है, यहां पर भी भेल एचओ, ठीक है, भेल एचओ, ठीक है। पोस्ट किस नाम से गई है, ग्रामीण डाक सेवक, जीडीएस, एबीपीएम, ठीक है, और आपका डाक सेवक। जनरल कैंडिडेट जो है उसके लिए एक पोस्ट अलॉट हुई है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और नाम है आपका रिसिता पाटिल, जिसका 10th में परसेंटेज था आपका 95.5। ये समझ में आ रही, तो 95.5% इनका था, तब जाकर इन्हें ये वाली पोस्ट मिली। तो ऐसे आप देखोगे ना, हर कहीं पोस्ट आपकी अलग होगी। इनका 87 होगा, ठीक है, इनका यहाँ पर 96 हो गया, यहाँ पर यूआर का देखोगे 96 हो गया, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस देखोगे 95 हो गया। ये मैं बात कर रहा हूँ केवल और केवल भोपाल डिवीजन की। ऐसे यहाँ पर टोटल अगर आप देखोगे ना, 94 पेजेस की ये आपकी मेरिट लिस्ट आई थी हर जिले में, हर जिले में। जैसे आपके मैं कमेंट देखता हूँ कि आप में से किसी ने कहीं से फॉर्म फिल किया है, बालाघाट एससी फीमेल कितना जा सकता है, रजनीकांत, ठीक है। अब बालाघाट की मैं लिस्ट निकालता हूँ, अभी आपकी भोपाल की चल रही, ठीक है, गुना आ गया, ठीक है, गुना आ गया, ग्वालियर आ गया, मैं बालाघाट का ही आपको दिखा देता हूँ। लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, होशंगाबाद आ गया आपका ये, ठीक है, ये आपका होशंगाबाद ही चल रहा है। हर जिले का आपका मुरैना आ गया, हर जिले का आपका अलग कट ऑफ जाएगा, ठीक है, मुरैना चल रहा है, ठीक है। आप लोगों ने यहां से भी फॉर्म फिल अप्लाई किया ना, फॉर्म अप्लाई आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो वहीं का मैं आपको बता देता हूं अभी, ठीक है। ये आ गया आपका एमपी डिवीजन भोपाल, ठीक है, विदिशा आ गया, विदिशा के बाद आपका ये, ठीक है, यहां पर विदिशा हो गया, इंदौर हो गया, ठीक है, ये आपका इंदौर, ठीक है, ये भी इंदौर। सबसे ज्यादा पोस्ट आपको इंदौर में मिलेंगे और भोपाल में मिलेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। इंदौर जो है ना, जैसे भोपाल मान लो, भोपाल आपका सीओ है, मतलब सर्किल ऑफिस है, ठीक है, या फिर भोपाल आपका एचओ है, सर्किल ऑफिस आपका सीओ कहाँ मिलेगा आपको, मतलब हेड ऑफिस कहाँ है, भोपाल में, और उसका सर्किल ऑफिस इंदौर में है। अभी हाल ही में कुछ है, मतलब 1 से 2 साल पहले पोस्ट ऑफिस का दूसरा भी सर्किल ऑफिस बनाया गया है और वो है आपका जबलपुर। मतलब इस तरीके से एमपी में 2 सर्किल ऑफिस है और 1 हेड ऑफिस है, मतलब भोपाल आपका हेड ऑफिस हो गया और इंदौर और जबलपुर आपका सर्किल ऑफिस हो गया। ग्वालियर को भी सर्किल ऑफिस बनाए जाने की अभी बात चल रही है। ये जो सर्किल ऑफिस होते हैं वहां पर पोस्ट सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। मंदसौर आपका आ गया, ठीक है, रतलाम आ गया, उज्जैन, बालाघाट तो आपका बहुत नीचे, अच्छा ये रहा बालाघाट, ठीक है, ये आ गया आपका बालाघाट। अब ये बालाघाट है, अब बालाघाट की मैं अगर एससी कैंडिडेट की बात करूं, ठीक है, ये बालाघाट की आ गई, उज्जैन के बाद आपका बालाघाट। अब समझना, बालाघाट, ठीक है, ये आ गया जनरल कैंडिडेट का, 94 गया है। अगर आप एससी कैटेगरी की बात करोगे तो यहाँ पर 93 गया है इनका, 93 इनके थे एससी कैटेगरी में, तब इनका एक पोस्ट इन्हें मिल गया, ठीक है। ये मैं बालाघाट का ही लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ। ये एससी में आपका 91 पर हो गया, ठीक है, एससी में आपका 90 पर हो गया, 90 पर आपको एससी में मिल गया बालाघाट, ठीक है। यहाँ पर एससी में इनके 94 थे, ईडब्ल्यूएस में 92 थे, ठीक है, मतलब मिनिमम अगर बालाघाट एससी का देखोगे तो 89 आपको मिलेगा, 89% आपको मिनिमम मिलेगा। खंडवा का कट ऑफ, खंडवा का पीछे नहीं सर, इंदौर का, ठीक है, इंदौर का भी आप लोग देख लो, ये मंदसौर है, ठीक है, ये खंडवा है। अच्छा खंडवा किसी का था क्या, हाँ खंडवा भी एक का है, दीपांश का, खंडवा का भाई साहब ये देख लो आप, ठीक है, खंडवा, ये खंडवा है आपका, ठीक है, खंडवा ये रहा, खंडवा का देख लो, ओबीसी 95, जनरल 96, मतलब कहीं भी पिछली बार 90, 91 ऐसे ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेंगे पिछली बार, ठीक है। इंदौर का अगर आप देखोगे तो इंदौर इसका भी था, इंदौर मोफोसी ये क्या है आपका, ठीक है, ये देख लो भाई साहब इंदौर का, यहाँ पर भी आपका 90 ओबीसी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की अगर आप बात करोगे, जनरल आपका 95 था, ओबीसी 95 था, ईडब्ल्यूएस 91 था इंदौर का, ये थे आपके परसेंटेज। अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, एक चीज और ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखो कट ऑफ या फिर परसेंटेज कहीं ना कहीं नंबर ऑफ पोस्ट पर भी डिपेंड करते हैं। अगर मैं पिछली बार की बात करूं ना, जैसे ये यहाँ पर 94 पेजेस में आपकी लिस्ट आई थी, अगर मैं टोटल इनकी लिस्ट की बात करूं, अब ये देखना यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं, ये तो हटा दो, ये कौन है आपकी, ये बाद में देखेंगे, ये कौन थे आपके पोस्ट डिटेल विच रिजल्ट विदल्ट, ठीक है। टोटल 2709 पोस्टें थी पिछली बार एमपी में, हर जिले की अगर मैं काउंट करूं तो टोटल 2709 पोस्टें थी,
और यही इस बार डबल के समथिंग है, क्योंकि इस बार जो टोटल पोस्ट है ना वो आपकी 36,000 प्लस में है, और एमपी में इस बार आपकी डबल मतलब करीब 5,000 के समथिंग आपकी पोस्टें हैं, मतलब इससे डबल पोस्टें इस बार अगर देखोगे एमपी में, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ पिछली बार के कंपैरिजन में कम जाएगा इस बार। अगर पिछली बार मान के चलो मिनिमम जो आपकी पोस्ट थी, मिनिमम जो आपकी पोस्ट थी वो आपकी 87% था पिछली बार, अगर मिनिमम पोस्ट 87 था तो इस बार मिनिमम आपका यहाँ पर 80 के समथिंग होना चाहिए, लेकिन ये मैं बहुत कम बता रहा हूँ, इससे हो सकता है 80 के ऊपर ही, 80 के ऊपर तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इससे कम तो नहीं जाएगा यार। जो लास्ट पोस्ट जो आपकी जिस भी कैटेगरी की रही होगी, जिस भी कैटेगरी की, उसकी लास्ट में परसेंटेज बता रहा हूँ। अब आप इस परसेंटेज से आप अपना खुद का आकलन कर सकते हो कि एमपी में कट ऑफ कितना जाने वाला है। ठीक है, विकास मीना सर मेरे 10th में 93.75 है, क्या मेरा जीडीएस में सिलेक्शन हो सकता है ओबीसी से? भाई 100% हो सकता है, 100%, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी बात पता है क्या है, यहां पर एग्जाम नहीं होता, यहां पर एग्जाम नहीं होता, तो यहां पर अगर आप जैसे मान के चलो देखना, जैसे मैं जो चीज आपको समझा रहा हूँ उसे आप ध्यान से समझना, जैसे मैंने बोला कि यहां पर बेटा आपका एग्जाम तो होगा नहीं, ठीक है, एग्जाम आपका होगा नहीं, मतलब यहां पर जो आपकी कैटेगरी है, चाहे वो आपका जर्नल मान लो, ठीक है, आपका ईडब्ल्यूएस मान लो, ईडब्ल्यूएस आपका ओबीसी मान लो, ठीक है, आपका ओबीसी मैंने ले लिया, इसके बाद आपका ओबीसी के बाद आपका एससी आ गया, ठीक है, इसके बाद आपका एसटी आ गया, फिर पीडब्ल्यूडी इस तरीके से मान लो, मतलब जो भी आपकी कैटेगरी है इनके 10th के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, इनके 10th के जो परसेंटेज है, 10th के जो मार्क्स हैं, इनके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, ये चीज ध्यान से आप लोग समझना जो मैं बोल रहा हूँ। और बेटा 10th में इन कैटेगरी का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम 2 से 3% का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, 2 से 3% का। एग्जाम्पल से समझो, अगर मान के चलो मैं एग्जैक्ट डाटा आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं एक अप्रोक्स में आपको बता रहा हूँ, जर्नल का कट ऑफ इस बार अगर आपका 87% जाता है, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस का मैक्सिमम आपका 85 चला जाएगा, ओबीसी का भी 85 चला जाएगा, ठीक है, एससी का आपका 83 चला जाएगा, एसटी का भी आपका 82 चला जाएगा, इस तरीके से, तो यही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा मैक्सिमम इतना, ठीक है, इससे बाहर आपका डिफरेंस देखने को नहीं मिला। अगर यही एक एग्जाम कंडक्ट करा लेते ना तो यही डिफरेंस काफी गैप में आ जाता, गैप में आ जाता मतलब अगर इनके 87 में इन्हें पास किया जाता तो इनको 80 नंबर में ही या फिर 70 की लाइन में ही इन्हें पास कर दिया जाता, ये डिफरेंस है मेन जो मैंने अभी आपको बताया। 80% से बालाघाट चांसेस हैं, चांसेस हैं आपके, ठीक है। अब एक बार जल्दी से बताओ, ये चीज आप लोगों को समझ में आई तो मैं तो अपना, अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं ना, अगर मैं बात सेफ स्कोर की करूं, ठीक है, अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं, अगर मैं बेटा सेफ स्कोर की बात करूं, तो जिसके भी टेंथ में 80% है, मतलब 80% प्लस में है, 80% आपका प्लस में है, और किस कैटेगरी में, एससी या एसटी में, एससी या एसटी में, तो आपका चांस है, मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूं, ठीक है, जिसके भी टेंथ में यहां पर 85 प्लस है, 85% प्लस है, जिसके भी वो चाहे ओबीसी में हो, या तो वो ओबीसी में होगा या फिर बेटा वो ईडब्ल्यूएस में होगा, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में उसके चांस हैं, जो भी टेंथ में जिसके भी 87% से प्लस में है, 87% से प्लस में है, वो कैंडिडेट जर्नल में सेफ स्कोर में है, ये आपका इस बार चांस रह सकता है आपके परसेंटेज का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट यही जाएगा, लेकिन बहुत हद तक ये चीज पॉसिबल है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ, नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करूँ, तो कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक ये आपका जो फाइनल मेरिट रहेगा परसेंटेज का, वो आपका इस बार का 2022 का सेफ स्कोर आपका 2022 का, ठीक है, 2022 का आपका ये रह सकता है, कट ऑफ रह सकता है इस बार 10th की परसेंटेज बेस पर, ठीक है, क्योंकि इस बार आपकी डायरेक्ट अब मेरिट लिस्ट ही आएगी, उस पर आपको फिर डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। चलो क्लास को, वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसे ही अपडेट भरे वीडियोस आप तक पहुंच सकें, और आपका काम है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और एक बार लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं हम लोग अपने जो डेली का रेगुलर हम लोगों का सेशन रहता है 12 से 1 का, ठीक है, 5 मिनट के बाद हम लोगों की क्लास में।